हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। हमारे एपिसोड हौसलों की उड़ान में आज एक नए मेहमान के साथ हम यहाँ पर आज मौजूद है, जो कि मैं आपको बता दूँ, भिवंडी शहर के भादोड़ गांव से, एक गांव के रहने वाले बच्चे ने एक यहाँ से गांव से अपनी जो जर्नी स्टार्ट की, वो आज एक नए पायलट के रूप में भिवंडी शहर को मिले। तो हमारे साथ खास मेहमान है भिवंडी शहर से, भादोड़ गांव से तेजस पाटिल। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनके ही इस सफ़र की कहां से शुरुआत हुई, क्या हुआ। वेलकम टू एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी हौसलों की उड़ान। थैंक यू सर। माय नेम इज तेजस सुरेंद्र पाटिल, मैं भिवंडी से हूँ। मैं विलेज में, मेरा विलेज का नाम है भादोड़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने मराठी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ना ही सेमी इंग्लिश ना ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ। उसके बाद 10th के बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। तो मेरा ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया, मेरे को आगे पायलट बनना है। एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग करना था जी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा में एडमिशन लिया, देन मेरा 3 साल का डिप्लोमा था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे ऑप्शंस नहीं थे, मुझे क्या करना है। तो मैंने डैडी के साथ डिसाइड किया, तो मैंने उन्होंने बोला कि हम इंजीनियरिंग करेंगे। तो मैंने नई मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बी कंप्लीट कर ली। उसके बाद मेरा मास्टर का प्लान था, यूएस जाने का प्लान था, लेकिन जो कोविड का पीरियड आ गया, 2 साल मैं घर पे बैठा रहा, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन खुले नहीं थे। क्योंकि जिस टाइम मुझे यूएस जाना था, तो उस टाइम कोविड आ चुका था, तो मैं घर पे बैठा रहा। तो मैंने डैडी से इस बारे में बात की, मैं डैडी को 2 ऑप्शन दिए थे, एक तो मेरे को मर्चेंट नेवी में जाना है, या तो मुझे कमर्शियल पायलट बनना है। तो उन्होंने मर्चेंट नेवी के लिए तो मना कर दिया, तो मैंने कमर्शियल पायलट का चूज़ कर लिया। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, उसमें 2 टाइप के मेडिकल रहते हैं, तो मैंने क्लास 1 मेडिकल कर ली। क्योंकि कुछ बच्चों लोग ऐसे रहते हैं कि बिना मेडिकल किए हुए एडमिशन ले लेते हैं, फिर मेडिकल में कोई दिक्कत आ गई तो वो अनफिट की वजह से हम फ्लाई नहीं कर सकेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन लिया कि हम मेडिकल में फ़िट हो रहे या नहीं हो रहे, वो हमने डिसाइड किया स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्लास 2 मेडिकल किया, तो मेरा वो सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्लास 1 मेडिकल किया, तो उसमें भी सारे मेरे रिजल्ट सारे नॉर्मल हो गए। तो उसके बाद मुझे पता नहीं था किस इंस्टीट्यूट से जाना है, कौन सी फ्लाइंग स्कूल बेस्ट है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने एक फ्रेंड से, मेरे एक फ्रेंड रहता है मुलुंड में, उससे मैंने राह ली। तो उन्होंने बताया कि आप एक दिल्ली में इंस्टीट्यूट है कैप्टन साहिल कुराना करके, वहाँ से, क्योंकि जो कैप्टन है तो उस जो इंडिया में नंबर 1 कैप्टन है जी, ऐसा मैंने बहुत जन से सुना था कि इंडिया में नंबर 1 कैप्टन है। उसके बाद मैंने वो मैम की अपॉइंटमेंट ले ली दिल्ली के लिए। तो मैं मेरे डैडी के साथ दिल्ली गया, और उन्होंने सब मेरे को बताया एविएशन में क्या क्या रहता है, क्या करना पड़ता है, कैसे कंप्यूटर नंबर लाना है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए कंप्यूटर नंबर ज़रूरी है। एंड एक्चुअली मैम ने सारी प्रोसेस बताई। उसके बाद ये स्टेप रहेगा, तुमको DGCA के सारे पेपर क्लियर करने हैं, उसके बाद तुम्हें RT का लाइसेंस चाहिए, उसके बाद तुम फ्लाइंग कर सकते हो। देन मैंने एडमिशन ले लिया, लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा था, तो उसमें भी मैं स्टक हो गया पूरा। तो मेरे पास कंप्यूटर नंबर भी ना, एक्चुअली मुझे 4 बार मुझे कंप्यूटर नंबर का रिजेक्शन आता, मुझे थोड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया, कंप्यूटर नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि DGCA कंप्यूटर नंबर रिजेक्ट करते जा रहा था। तो 6th बार में मेरा कंप्यूटर नंबर मिल गया, और मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया। उसमें मैंने 3 एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, तो उसके बाद मुझे 3 एग्ज़ाम देने थे। तो मैंने 3 एग्ज़ाम मेरे एक ही दिन में थे, और उसमें ऐसा क्राइटेरिया है कि 70 मार्क्स पासिंग कंपलसरी है। अच्छा, सब पायलट के लिए, नहीं तो तुम 60, मेरे कैप्टन ने बोल के लगा था क्या, 70 is equal to 100, 69 is equal to 0, तुम 69 मिलाओ तुम 0 के लायक हो। हाँ, तो उन्होंने ये बता के रखा था मुझे। तो उसमें 70 मार्क्स मेरी पासिंग थी। तो एट द टाइम 3 पेपर देना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हूज सिलेबस है उसका, और मेरे को नहीं लगा था मैं कर पाऊँगा। तो मैंने ट्राई कर लिया कि चलो पेपर दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, क्या तुम एक बार पेपर फेल हो गए तो उसका 2 महीने का कूलिंग पीरियड लग जाता है, 2 महीने तुम पेपर नहीं दे सकते। तो मैंने 3 पेपर दे दिए, 2-3 दिन में रिजल्ट आया, 3 पेपर मेरे एक ही अटैम्प्ट में सारे क्लियर हो गए। तो मेरे बचे हुए 2 पेपर बचे थे, तो मैंने 1 पेपर की तैयारी चालू कर दी, क्योंकि वो टेक्निकल जो पेपर है वो किसी के, मतलब एट द टाइम वो निकालना मुश्किल है, उसे नहीं निकाल सकते। तो मैंने 1 टेक्निकल पेपर दे दिया, वो भी मेरा क्लियर होगा, और उसे टेक्निकल पेपर मुझे एग्जैक्ट 70 मार्क्स आए थे। ओके हाँ, क्योंकि मुझे कैप्टन बोला 69 है तो भी तू फेल है, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं तेरे को।
79 आया रहेगा तो एक जान में जान और हाँ, अपने एक सेवेंटी जज्बे को मतलब हाँ, वापस से यार हम अप्लाई करने के लिए हाँ एप्लीकेबल हो। तो मैंने 70 मार्क्स आए। उसके बाद मेरा आरटी का एग्ज़ाम था। आरटी का एग्ज़ाम पूरे अपने इंडिया में चार जगह होता है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। अच्छा। तो मुझे चेन्नई आइटम के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो चेन्नई आइटम था। और आरटी का एग्ज़ाम कोई एक ही आइटम में नहीं निकाल सकता। अच्छा, उसमें दो अच्छा। सेक्शन रहते हैं, उसमें अपने एटीसी से बात करना है, जो हम ग्राउंड से बात करते हैं ट्रैफिक से, उसमें पेपर रहता है, और एक इंटरव्यू टाइप रहता है, उसमें सारा कुछ पूछेंगे वो लोग। और मतलब जितने भी सब्जेक्ट हम लोग ने पढ़े वो सारा कुछ हम वो लोग हम हमसे पूछेंगे क्या तुमको तुम्हारी तुम्हारा नॉलेज क्या है, चेक करेंगे। तो मैंने इंटरव्यू में गया, मेरे को नहीं लगा था कि मैं फर्स्ट अटैम्प में वो क्लियर करूँगा, क्योंकि वो कोई भी एग्ज़ाम एक अटैम्प में नहीं क्लियर करूँगा। वहाँ पे भी वैसी हाँ कोई हाँ कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। मुझे सर ने बता के जाया था तेरे को नहीं आएगा तो तू शांत मन बैठना, उसमें स्माइल करके उसको सर को बोल देना कि नहीं आ रहा है और उसे प्रोसीड कर देना आगे। तो मैंने वैसे ही सर की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी और मेरा एक महीने बाद रिजल्ट आया। तो उसमें उस इस मेरे टाइम कोविड के बाद 5,000 बंदों ने अप्लाई किया था उस लाइसेंस के लिए। 5,000 और उसमें 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरा नाम था। ओके 500 बच्चों में तो 5,000 में मेरा एक नाम था। तो मैं बहुत ही उस टाइम खुश था। तो मुझे अभी सारे पेपर क्लियर हो गए थे तो मुझे फ्लाइंग स्कूल जाना था अभी। और अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल, लेकिन कुछ फ्रॉड है, कुछ करवाते हैं, ओवर लॉगिंग भी होती है। लॉग बुक क्या करते हैं, फ्लाइंग करवाते नहीं और लिखते जाते हैं। अच्छा। क्या है तुम्हारे घंटे बढ़, मतलब घंटे एक लाइसेंस दिखाने के लिए, फेक हाउस हाँ ऐसे। तो मुझे कैप्टन साहिल सर ने रिकमेंड किया क्या तुम रेडबर्ड ज्वाइन कर लो। तो मैंने उन्होंने मेरे को रेडबर्ड डिविएशन बारामती में, उनके चार बेसेस है, एक बारामती सीओनी है, एक गुलबर्गा है, लीलाबरी है और एक बेलगावी है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्या तुम रेडबर्ड ज्वाइन कर लो। तो मैंने लास्ट ईयर नवंबर में 22 में रेडबर्ड डिवीजन ज्वाइन किया। और मैं इनिशियल था, मुझे कुछ एयरक्राफ्ट के बारे में पता नहीं था कैसे चलाते हैं, मैं स्केयर्ड हाँ मैं स्केयर्ड था पूरा। तो उन्होंने मेरे को सिखाया क्या कैसे फर्स्ट, और मेरी जब भी फर्स्ट फैम थी एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो मैं पूरा डरा हुआ था कि मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में मेरे को सर ने सिखाया क्या कैसे उसको जहाज़ को टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करना है, ये सब मैंने सिखाया था। लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में। तो मैं डेली सर मुझे बहुत सुनाते थे क्या तेरे से नहीं होगा। मैं बोला सर मेरे को नहीं जम रहा है। मैं ग्राउंड पे सब चीज़ें करता था अच्छे से, लेकिन इनर जाके मैं पूरा ब्लैंक हो जाता था क्या कर क्या करना। हाँ क्योंकि सारी चेकलिस्ट रहती है, एयरक्राफ्ट को हैंडल करना डिफ़िकल्ट है पूरा एक ही सिचुएशन में, क्योंकि हमें बात भी करनी है ग्राउंड से। क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि ट्रैफिक खाली रोड के ऊपर ही रहती है। अच्छा। तो उन्हें पता नहीं है कि ट्रैफिक ऊपर भी रहती है। हम 30-30 मिनट होल्ड करते हैं लैंडिंग के लिए। ऐसा हाँ तो लोगों को पता नहीं है कि ऊपर ट्रैफिक रहती है या नहीं रहती है। उनको लगता है जहाज उड़ाया ऊपर ट्रैफिक ने घूम के वापस नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर भी 30 मिनट एक घंटा लैंडिंग के लिए क्लियरेंस चाहिए तभी लैंड करना, वेटिंग करना, ऊपर ही गोल गोल घूमते रहते हम लोग। तो फिर मेरे को सर ने सब सिखाया। तो मैं रेडबर्ड का ऐसा पहला मतलब सेकंड स्टूडेंट था। मैं 17 घंटे में रिलीज हुआ था। अच्छा। सोलो में वो हाँ। वन टाइम सोलो 17 आवर्स कोई तो एक मेरा स्टूडेंट था, मेरे बैच का सीनियर था, वो 15 या 11 घंटे में रिलीज हुआ था। लेकिन मैं 17 घंटे में मेरे सारे चेक्स क्लियर हो गए थे। और रेडबर्ड का मेरे को शायद से मैं सेकंड स्टूडेंट ऐसा हूँ कि मैं सारे चेक्स एक बारी में क्लियर कर दिए थे। अच्छा। उसके बाद मेरी स्टेप हो तो मुझे थोड़ा हिम्मत बढ़ गई कि अभी हो जाएगा एयरक्राफ्ट चलाना, क्योंकि सर ने छोड़ दिया है तो भी अभी हो जाएगा सब अच्छे से। तो धीरे धीरे मेरे स्टेप बढ़ गए। तो मैंने 80 जैसे मैं सोलो रिलीज हुआ मैंने 20 दिन में 50 घंटे की फ्लाइंग की थी। 20 डेज में 50 आवर्स तो सर रिकॉर्ड वगैरह कुछ आप मेरा ये रिकॉर्ड ही है क्या मैंने 20 डेज में 50 आवर्स फ्लाइंग कर ली थी जी। तो अभी भी मुझे बोलते हैं कि तूने ऐसे फ्लाइंग कैसे कर ली। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं डेली जाता था, मैं छुट्टी नहीं लेता था, मुझे बहुत फ्लाइंग का शौक था। हाँ मुझे हौसलों की जो उड़ान थी उसको आप पर मिल गए तो हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ हवा में रहने हाँ, की क्योंकि मुझे मैं खाना भी नहीं खाता था। अच्छा। मैं पहले मैं खाना खाते कभी कॉल आ गया तो मैं खाना डाल के मैं फ्लाइट पे चला जाता था क्या मुझे फ्लाइट चाहिए, मुझे अभी उड़ना है बस, बाकी कुछ नहीं मुझे। हाँ आपने जमीन पे रह लिया आसमान से, मेरे को आसमान में जाना है बस इतना करता। उसके बाद मेरे सारे स्टेज चालू हो गए, मुझे क्रॉस कंट्री जाने लगा। उसमें भी प्रोफाइल रहते हैं, क्रॉस कंट्री स्टेज जाना रहता है। तो हमारे रूट थे लातूर, गुलबर्गा, हम कर्नाटक में जाते थे, 6-6 घंटा ऊपर रहते थे एक ही टाइम पे, और एक ही टाइम में हम सोलो रहते थे उस टाइम। अच्छा। कुछ भी नहीं कर सकते थे और इतना गस्टी वेदर में जाते थे, मैं लिटरली रो लेता था उस गस्टी वेदर में, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट वो ऑटोमेटिक नहीं है पूरा। अच्छा। और मैन्युअली सिखाते कैसे उसको फ्लाई करना है क्या करना है। फिर उसके बाद सारे प्रोफाइल खत्म हो गए, फिर मैंने नाइट चालू कर दी। एक मेरी फ़्लाइट थी 6 घंटे की,
उसमें हम जाते हैं लातूर गुलबर्गा लैंडिंग कंपलसरी उसके ऊपर, तो मुझे अलग एक फीलिंग था क्योंकि एक वहाँ पर जो गुलबर्गा बेस है वो कंट्रोल एयर स्पेस है, वहाँ पर एयरलाइन लैंड होते हैं अच्छा सारे, तो वो मुझे एक अलग ही फील था कि नए एयरोड्रोम पे भी लैंड करने वाले हम लोग कुछ। और उसी टाइम उस टाइम भी एक स्पाइट जेट का कोई तो जेट एयरक्राफ्ट आ रहा था, तो उन्होंने मुझे होल्ड वगैरह करवाया, तो अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा वो वाला। उसके बाद मैंने लैंड नाइट चालू कर दी, नाइट के सारे घंटे खत्म गए, फिर मैं चेक्स के ऊपर अभी लास्ट स्टेज में था, 180 के बाद सारे चेक्स होते हैं, तो उसके बाद चेक्स दिए, तो अभी मेरा सिंगल इंजन पूरा ख़त्म हो गया था, तो मल्टी इंजन के लिए फिर मैं आसाम में चला गया था, तो आसाम में भी सारे कंट्रोल एयरोड्रोम में लीलावरी एयरपोर्ट पर गया था, तो वहाँ पर मैंने सारा मल्टी इंजन वहाँ से ख़त्म किया 15 घंटे का, और मेरे सारे फिर 200 घंटे पूरे हो गए, मतलब 20 हॉर्स कंप्लीट हो गया। तो आगे जो है आपको इसके बाद में आप कहाँ पे 200 हॉर्स के बाद में आप क्या करने वाले हो आगे, कहाँ पे आपका कुछ? अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस की वैकेंसी तो आई है नॉन टाइप रेटेड की, और टाइप रेटेड भी आई है, तो अभी तो मुझे चालान नंबर मतलब मिला नहीं है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता उस, अभी 16 तारीख को मुझे चालान नंबर मिल जाएगा 16 को, तो मैं अप्लाई करूँगा एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए नॉन टाइप रेटेड, समझो उसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो कंपनी खुद मुझे टाइप रेटिंग करवाएगी और आगे वही सारा देखेगी कंपनी, और तो समझो आप वो भी अभी डिपेंड है लक के ऊपर क्या हो सिलेक्शन होगा, क्योंकि उधर भी भीड़ है बहुत सारी। अच्छा, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा सोच के नहीं लगता क्या करना, मैं देखा जाएगा बाद में, मैं मेरे तरफ से प्रिपरेशन करता हूँ पूरा, और जाके होएगा ना वो ऊपर वाला देख लेगा। नहीं नहीं, आप प्रिपरेशन कीजिए, और भिवंडी शहर के आप सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो फैमिली है वो फैमिली आपके साथ में सपोर्ट में है। मैंने तो सर कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्टेज पर रहूँगा, मैं पायलट कभी बनूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे आगे रहा मैं खाली मेरे को जानना था हम जाएंगे, मैंने इसीलिए मतलब बोलते हैं ना कि मैंने ट्राई करने के लिए किया था, और मैं आज इस स्टेज तक हूँ मतलब। अच्छा, तो आपकी एक ड्रीम आपने एक थिंक की थी कि एक गांव में गांव की गलियों में साइकिल चलाने वाला एक लड़का एक नौजवान वो फ्लाइंग कैसे करता होगा, उसकी सोच देखिए, भिवंडी शहर के एक छोटे से गांव भादौड़ से साइकिल चलाने से लेकर आज वो पायलट जो एयर जो प्लेन कई घंटे तक का हवाओं में उड़ाने की, जैसे कि आप सुन भी सकते हैं, सुनों ने बताया भी कि उनको फ्लाइंग करना कितना पसंद है, तो ये चीज़ ये थी इनकी जर्नी, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इनको फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका ये जर्नी में। मेरे सबसे इम्पोर्टेंट वही रहता है कि ये फैमिली, क्योंकि इसमें बच्चों को नॉलेज तो चाहिए, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कुछ बच्चे लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि फाइनेंशियल, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाउंट चाहिए। अभी तक मेरे 50 से 60 लाख रुपए खर्चा हो चुका है खाली ट्रेनिंग के लिए, अभी तो मुझे टीआर करना है, आगे जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी मेरे को पूरा सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे तो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास मनी नहीं, टैलेंट रहता है लेकिन उनके पास मनी नहीं है, तो मेरे डैडी ने मुझे सपोर्ट किया था, क्या तू आगे मैं तेरे को पैसे की हेल्प करूँगा, बाकी तू तेरे से नॉलेज जितना हो सका तू उतना कर ले, उन्होंने मुझे सारा कुछ सपोर्ट किया था, मैं भी उनको 100% दे चुका था, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जैसे कि इन्होंने कहा, अब अभी इस वक्त हमारे साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जो फादर है वो भी मौजूद है, भिवंडी शहर में उनके नाम को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, सुरेंद्र पाटिल जी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर पहली बात तो हमारे चैनल के माध्यम से और भिवंडी शहर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि एक आपने अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो भिवंडी शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में भारत में रोशन कर सके, तो कैसा लग रहा है सर आपको आपके बेटे को पायलट बनता हुआ देख? सर इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, और इसमें मैंने जो मैं तो 10वीं फेल हूँ, मगर मेरा ये पूरा ड्रीम था क्या सब मेरे बच्चा आगे बढ़े और मेरे भाई के, और मैंने एक ऐसा एक ड्रीम मेरा समझा कि कोई भी गरीब लड़का अगर वो पढ़ना चाहता है तो मेरे पास आए, उसको हम पूरा मतलब पूरे देश भर में किधर भी एडमिशन हो तो उसके लिए मेरे पास बहुत कुछ, इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को नॉलेज मिला है और वो अनुभव मेरे को लोगों को शेयर करना है। आज मैंने जिस तरीके का मैं उसने आगे लेके गया, इसे बहुत से लोगों को मेरे को और लड़के लोग को आगे लेके जाना है, तो ये मेरी सबसे बड़ा मेरे लिए ये काम मेरे को करना ही है, और ऐसे बहुत से लड़के हम लोग अभी इसमें सबसे बड़े तो एक रविंद्र भवेरकर के इनके काउंसलर टीचर है, उनके वजह से पूरी मालूमत आज तक हमको मिली,
और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हम आगे आगे बढ़ते गए, और काफ़ी अभी आगे का खर्चा भी है तो सोचेंगे इसके बारे में। तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ क्या एजुकेशन के बारे में, जो भी कोई लड़का आज डिग्री या कुछ भी, एजुकेशन ऐसी चीज़ है को कभी लाइफ से या कभी मतलब उसको कभी अपन कम नहीं देखा जा सकता, वो कभी भी काम आ सकती है, बुढ़ापे में भी काम है। तो हर बंदे ने या हर लड़के ने एजुकेशन डिग्री ये लेके रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, एजुकेशन है तो ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने सुना, भिंडी शहर के एक छोटे से गांव भादौड़ गांव से जो तेजस पाटिल और उनके जो फादर है सुरेंद्र पाटिल, उन्होंने अपने दोनों का सपना एक दूसरे का पूरा किया, और भादौड़ गांव से, भिवंडी शहर के भादौड़ गांव से एक हमें नए पायलट जो है कि आज यहां पर देखने को मिले, उनसे क्या जर्नी थी ये सुनने को मिली, उनसे बताया कि आखिर किस तरीके से पायलट बनना है। तो अगर जो भी भिवंडी शहर के हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है और हमारे चैनल को जितने भी चाहने वाले हैं, अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ ऐसी है कि जो आपको पायलट और आपके सपनों को, उड़ान को उड़ने से नहीं रोक सकती है। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, हौसलों की उड़ान में एक नए मेंबर के साथ जल्दी मुलाकात होगी। मैं ताहिर शेख, एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।